बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर जोरों पर है तैयारियां। 17 से 19 जनवरी तक सरयू तट पर श्री राम कथा का करेंगे प्रवचन। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए पहुंची एटीएस कमांडो की टीम। सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए शासन ने एटीएस कमांडो की टीम को बख्तरबंद गाड़ियों के साथ गोरखनाथ मंदिर में किया तैनात। गोरखपुर के चिरुवाताल थाना क्षेत्र में पत्नी से नजदीकियों का विरोध करने पर पेंटर 48 वर्षीय नरेंद्र सिंह की हुई हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोपी राजू यादव को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ को आस्था की चढ़ाई पवित्र खिचड़ी। प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की दी शुभकामनाएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का फीता काट कर किया गया शुभारंभ। कहा, विधिक जागरूकता शिविर में आकर ले अधिक से अधिक लाभ। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में नेपाल देश के प्रतिनिधियों सहित भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गुरु गोरखनाथ को आस्था की चढ़ाई पवित्र खिचड़ी। गुरु गोरखनाथ से परिवार के सुख समृद्धि की कामना। स्वर्गीय कैलाशी देवी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। गरीबों को वितरित किया गया कंबल। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, सदर सांसद रवि किशन, MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर PK मल ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर लिया आशीर्वाद। प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की दी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व DGP विजय कुमार ने गुरु गोरखनाथ को आस्था की चढ़ाई पवित्र खिचड़ी। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्थापना दिवस। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने केक काट कर व गीत गाकर दी शुभकामनाएं।